Good morning, students. Welcome to the online class. I am your SST teacher, and the chapter we were discussing is about Neolithic period. So, and today's topic is pottery. देखिए पोट्री एक तरह का एक प्रोसेस है जिसमें क्ले को यूज करके न्योलिथिक मैन ये पॉट्स बनाते थे. अब इस पॉट्स का फर्दर वो यूज करते थे सरप्लस ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए. बाद में इन्होंने ईटिंग ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए भी इस पॉट्स का यूज करने लगे. इनिशियली ये लोग बास्केट को वोव करते थे, इस तरह से बुनाई करके बनाते थे वाइल्ड ग्रासेस का, और उसके ऊपर एक लेयर लगा देते थे क्ले का, और फिर उसको वो सन में सुखाते थे और इस तरह से वो सरप्लस ग्रेन्स को स्टोर करते थे. बाद में फिर धीरे धीरे इन्होंने क्ले का वेसल्स बनाना सीखा और पक्की मिट्टी यानी कि पॉट्स को बनाकर उसको फायर पे बेक करते थे, जिससे क्या होता था कि इस तरह से वो पॉट काफी टाइम तक रहता था और उसको फिर ये लोग डेकोरेट भी करके रखते थे और उस पॉट में ये लोग मिल्क और वाटर को स्टोर करते थे. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड कार्ट, एंड दिस इन्वेंशन इज सेड टू बी द रिमार्केबल इन्वेंशन इन द पीरियड ऑफ न्योलिथिक मैन. तो इस ये पॉसिबल कभी हुआ कि जब ये लोग अचानक से देखे कि जब ऊंचाई से कोई एक लॉग ट्री का लॉग इस तरह से नीचे गिरा, तो इन लोगों को आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग इस तरह से लॉग का यूज करके वुड का हेवी ऑब्जेक्ट्स को खींच सकते हैं. और फर्दर इन्होंने एक तरीका निकाला कि व्हील और कार्ट बनाने का, और फिर कार्ट से लोग ये सबसे इम्पोर्टेंट यूज ये करते थे कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रैवल कर पाते थे और हेवी हेवी गुड्स को ये इजिली ट्रांसपोर्ट करते थे. और साथ ही जो पॉटर व्हील्स होता था यानी कि जो मिट्टी के, आपने कभी पॉटर मैन यानी कुम्हार वगैरह को देखा होगा, तो वो व्हील पे बर्तन को बनाते थे. तो ये व्हील ये पोट्री के लिए भी यूज होने लगा. नाउ अब उनका कम्युनिटी लाइफ कैसा था देखिए. तो जब इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिकली इन्होंने परमानेंट लाइफ स्टार्ट किया यानी सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किए. तो ये लोग धीरे धीरे हाउसेस एक जगह पे 5-10 इस तरह से हाउसेस बनाने लगे, और फिर धीरे धीरे ये जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ते गया तो ये हाउसेस विलेज में कन्वर्ट होने लगे. और फिर इन्होंने मिट्टी के और बुशेस के इस तरह से हर्ट्स झोपड़ियां वगैरह बनाना शुरू किए, और फिर ये लोग फैमिली वगैरह स्टार्ट किए और एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किए. उसके बाद इस तरह से फिर ये लोग अपने अपने कस्टम्स बिलीव्स और मेथड ऑफ वर्शिप को शेयर करते थे, और ग्रुप ऑफ फैमिलीज को ये लोग ट्राइब कहते थे. अब देखिए मेगालिथ्स एक ये है बड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में, ये लोग एक एरिया को ब्लॉक स्टोन से बनाते थे जिसको वो ब्यूरियल साइट कहते थे. यानी कि जब कोई इंसान या एनिमल्स का डेथ हो जाता था तो उनके बॉडी को डिस्पोज कैसे करते थे, तो ये लोग प्रैक्टिस शुरू किए बॉडीज को बरी यानी दफनाने का. तो ये लोग एक ह्यूज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स इस तरह से बनाते थे स्टोन का, और उसमें उसको वो नाम दिए मेगालिथ्स का, यानी मेगा मीन्स लार्ज. अब क्या है कि वो डेड बॉडीज को साथ में उनके जो भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होते थे जो वो अपने लाइफ टाइम यूज करते थे उनको वो एक साथ दफना देते थे. और उनका ये मानना था कि कोई एक लाइफ डेथ के बाद भी होता है और ये ऑब्जेक्ट्स उनको डेथ के बाद का जो लाइफ है उसको जीने में हेल्प करता है. तो इस तरह से वो बॉडी का डिस्पोजल करते थे. और इसके बाद न्योलिथिक एज में ही एक और एज आया जिसको हम चालकोलिथिक एज कहते हैं. चालकोलिथिक का एज इसमें क्या था कि पीपल बिगिन टू यूज बोथ स्टोन एंड कॉपर टूल्स. वो लोग अब कॉपर का टूल्स बनाने लगे यानी तांबा का. और चालकोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज कॉपर स्टोन एज. तो दिस पीरियड वॉज शॉर्ट बट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ये पीरियड बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चला बट फिर भी ये पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट था. क्यों? क्योंकि अब क्या है कि लोग स्टोन एज से मेटल एज में पहुंचने जा रहे थे जिसमें कि कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड. ये लोग जो सबसे पहला मेटल डिस्कवर किए वो आपका कॉपर था, और कॉपर के टूल्स बेटर होते थे स्टोन टूल से, और कॉपर को ये फिर दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स करके स्ट्रॉन्गर मेटल्स को तैयार करना शुरू किए. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल लाइफ. तो लोगों का सोशल लाइफ कैसा था देखिए. अर्ली ह्यूमन ग्रुप्स में रहना पसंद करते थे, तो ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते थे
अब वाइल्ड एनिमल से और हर ग्रुप में कुछ मैन वुमेन चिल्ड्रेन और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे जिसको ये ग्रुप बोलते थे। और ये जो कंसेप्ट था उस टाइम पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता था किसी का, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था, तो हर लोग हर एक ग्रुप को बिलोंग करते थे और जो डिवीजन ऑफ लेबर था वो उसी ग्रुप में एग्जिस्ट होता था कि काम के हिसाब से लोगों को बांट देते थे और हर एक ग्रुप का अपना एक लीडर होता था। नाउ अब क्या है कि धीरे धीरे आइडियाज चेंज होते गए और ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टीज में इमर्ज होते गए, तो इन्होंने जो भी हंटिंग या फूड गैदरिंग किया वो पर्टिकुलर एक एक ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए दे दी अलग अलग लोगों को और इस तरह से डिवीजन ऑफ वर्क ऑर्गेनाइज किया गया और हर एक मेंबर का कोई एक स्पेसिफिक टास्क होता था जिसको उनको करना होता था, जैसे फील्ड का कल्टीवेशन करना या एनिमल्स का देखभाल करना या फिर डिफरेंट टूल्स बनाना, तो ये अलग अलग टास्क अलग अलग लोगों को दे देते थे जिससे क्या होता था उनका लाइफ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता था और इस तरह से फिर वो एक जगह पे अपना लाइफ को जीना और इंजॉय करना शुरू किए। स्टार्टिंग में ये फूड को प्रोड्यूस करते थे और अदर ग्रुप्स के साथ वो फूड को एक्सचेंज कर लेते थे, जो भी उनकी जरूरत की चीजें होती थी। उसके बाद इन्होंने मर्ड से ये क्या बोलते हैं हर्ड्स बनाना शुरू किया और फिर ये धीरे धीरे शेल यानी जो समुद्र में इस तरह से सीपे मिलते हैं उसका इन्होंने ऑर्नामेंट्स बनाना शुरू किया और बोन का भी ये लोग ऑर्नामेंट बना के पहनते थे, ज्वेलरी वगैरह। और फिर उसके बाद क्लोथ्स ये लोग बनाना शुरू किए इस तरह से धागा बनाकर और कॉटन से। और जो रिलीजियस लाइफ था वो ये था कि कभी नेचुरल कैलामिटीज से लाइटनिंग होती थी, जैसे आप देखते हो ना बिजली कड़का या थंडर हुआ, अर्थक्वेक आ गया, वेदर में चेंजेस आ गया, तो ये लोग ऐसे समझते थे कि ये जो नेचर है ये इनसे इनको इन सब चीजों से डर लगता था, नेचुरल कैलामिटी से प्राकृतिक आपदा से। तो ये लोग स्काई आसमान का सन का रेन और सारे अदर जो ऑब्जेक्ट्स है नेचर के उनका ये लोग ने पूजा करना शुरू कर दिया, वर्शिप करना शुरू किया। और जैसे ही ये चालकोलिथिक पीरियड खत्म हुआ पीपल अपना लाइफ को सिक्योर और कम्फर्टेबल बनाने लगे और ये फूड प्रोड्यूसर बन गए और इस तरह से फिर वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना शुरू किए, इम्पोर्टेंट मैसेजेस को ये देना शुरू किए और इस तरह से फिर स्किल ऑफ राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ और स्क्रिप्ट पहली बार हम लोगों के सामने पास्ट में इस तरह से आया। तो ये था आपका न्यूलिथिक एज और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो सिविक्स होगा, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर मिलेंगे सिविक्स के सामने, ठीक है।